तो अब हम लिखने वाले हैं ए को, ठीक है, ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, ये ए मैट्रिक्स यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, एक सेकंड, ये सिलेक्ट कर लिया मैट्रिक्स, ठीक है, ये हो गई, ये ए मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। फिर माइनस के चिन्ह लगाया, ठीक है। अब ए डैश मैट्रिक्स सेलेक्ट कर ली, तो इन दोनों जो है ए डैश को लिख लेंगे, देखिए ये ए डैश मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, ए डैश, ठीक है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करके लिख लें, तो देखिए लिखेंगे इसको हम 1/2, और ये मैट्रिक्स का चिन्ह, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ लेंगे, तो यहाँ से तीन ये 6 हो जाएगा, ठीक है, और ये 3 से 2 जाएगा, 2 बचेगा 1, -1 -4 तो -5 हो जाएगा ये, और -2 और ये धन का 3 तो ये हो जाएगा धन का 1, -2 और -2 तो -4 हो जाएगा। इसी तरह 1 और -5 तो हो जाएगा -4, और ये -4 -1 -5, और ये हो जाएगा -5 और ये धन का 1 तो यहाँ से -4 हो जाएगा, -2 ये धन का 2 तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह ये मैट्रिक्स बन गई, और धन का ये चिन्ह लगा दिया हमने। अब 1/2 ये लिख दिया हमने, और ये फिर मैट्रिक्स इसको सॉल्व कर लेते, 3 से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 3 से जो है ये 2 जाएगा, तो देखिए ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से तो यहाँ से हो जाएगा ये 5 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 1 और ये धन का 4, तो यहाँ से हो जाएगा 3, ठीक है। और देखिए -2 और ये -3, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा -5, ठीक है, -2 और ये -2 ठीक है, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस तरह क्या हो, ये 0 हो जाएगा, और 1 धन का 1 है, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसको क्या कर सकते हैं, -4 हो -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से -3 बचेगा, -5 और -1 तो यहाँ से -6 हो जाएगा, और -2 और -2 ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको सिर्फ इसमें भाग दे दें बस, ये भी जो है ये सममित और विषम सममित आवयवों के योगफल के रूप में हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा लिखिए, देखिए इसमें 2 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसमें देंगे तो यहाँ से 5/2 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो इसमें भी 1/2 हो जाएगा, तो ये -2 हो जाएगा, इसमें ये -2 हो जाएगा, इसमें करेंगे तो -5/2, ठीक है। इसको थोड़ा सा पेज ऊपर कर ले, देखिए 5/2, ठीक है, यहाँ से इसको 2 से भाग देंगे तो -2, ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो ये भी 2, ठीक, ये हो गया, और धन का ये मैट्रिक्स बन जाएगा, देखिए इसमें 0 रहेगा, ये 5/2, ये 3/2, ये -5/2, ठीक है, ये 0, ये 3, इस ये हो जाएगा -3/2, ये -3 और ये 0, ठीक है, ये मैट्रिक्स हो गए, ठीक है। यही जो विषम सममित और सममित आवयवों के योगफल के रूप में होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए 15 का ये चौथा पार्ट है, ठीक है, इस एक्सरसाइज का अंतिम सवाल है। तो इसको भी जो मैट्रिक्स दी हुई है ये, ठीक है, 1 5 -1 2, ठीक है, इसको भी हमें सममित और विषम सममित आवयवों के योगफल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं जो दी हुई है, ठीक है, वो 1 5 -1 2, ठीक है। अब देखिए अगर इसका ए डैश निकालेंगे तो क्या होगा, इस पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तो 1 5 हो जाएगा, -1 2 हो गया, ठीक है, ये ए डैश हो गया। अब हमें जो है सममित और विषम सममित आवयवों के योगफल के रूप में लिखना है, इसलिए यहाँ से बी बराबर इसका फार्मूला देखेंगे, 1/2 ए धन ए डैश धन का 1/2 ए माइनस ए डैश, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बी लिख दिया, ठीक है, और 1/2 लिख दिया, ये ए मैट्रिक्स लिखेंगे, ए मैट्रिक्स क्या दी हुई है, 1 5
माइनस एक दो, ठीक है ये धन का चिन्ह लगाया, फिर ए डैश मैट्रिक्स लिखी हो जाए, एक माइनस एक पाँच दो, ठीक है ये धन का चिन्ह लगाया, फिर एक बटा दो ए डैश सॉरी ए, ठीक है तो ए की मैट्रिक्स लिखेंगे, एक पाँच माइनस एक दो, ठीक है माइनस का, फिर ए डैश क्या है, एक माइनस एक पाँच दो, ठीक है ये दिया, तो यहाँ से देखिए ये बी बराबर हो जाएगा एक बटा दो, ठीक है इस मैट्रिक्स को जोड़ लेंगे, एक को एक से जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा, पाँच को माइनस एक से जोड़ेंगे तो चार हो जाएगा, माइनस एक को धन के पाँच से जोड़ेंगे तो चार हो जाएगा, इसी तरह दो को धन के दो से जोड़ेंगे तो चार हो जाएगा, ठीक है और धन का एक बटा दो ये हो गया, ठीक है अब इसमें जो घट रहा है तो इसको घटा देंगे तो एक से एक जाएगा तो जीरो हो जाएगा, पाँच से एक ये एक जाएगा लेकिन माइनस में प्लस हो जाएगा, ठीक है छः हो जाएगा, जैसे देखिए माइनस एक से माइनस पाँच जाएगा तो माइनस छः हो जाएगा, धन का दो से ये जो है ये माइनस का दो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है तो यहाँ से बी बराबर हो जाएगा एक बटा दो, देखिए दो से इसमें भाग कर देंगे यहीं से तो ये क्या हो जाएगा, एक दो 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 धन, इसमें भाग करेंगे तो जीरो तीन माइनस तीन जीरो, ठीक है ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, ठीक है यानी कि जो ये क्या है, ये सममिता भी होगा और ये विषम सममित, ठीक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होगा मैट्रिक्स ये और ये एसक्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है तो ये इसका जो है आंसर होगा, ठीक है तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है तो ये एक्सरसाइज भी यहीं से समाप्त होती है, तो अगर अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑन कर दे जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं, ठीक है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें, उन्हें भी इसका फायदा मिले, ठीक है बेसिक से गारंटी है कि मैं आपको जो है अभी सिखा दूंगा, ठीक है बहुत सरल तरीके से, इसलिए अपने दोस्तों को भी शेयर करें, गणित बहुत ईजी है सिर्फ ये सब आपका वहम है, ठीक है तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो तक के लिए, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।